ये सोच तोड़ी है ज्योति मौर्या ने। मैं ज्योति मौर्या के इस फैसले से सहमत नहीं हूं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस फैसले से सहमत हूं कि वो अपनी सोच को प्रदर्शित की, वो आगे बढ़ी है। क्योंकि धोखेबाज तो कोई भी हो सकता है, चाहे औरत हो या पुरुष हो। पुरुष भी अपने महिला अपनी पत्नियों को धोखा देते आए हैं। इसमें ज्योति मौर्या जी का खुद का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो ज्योति मौर्या वाला केस है, यहाँ पे सीधे सीधे धोखेबाज और तमाम तरह की बातें आ रही हैं। नमस्कार, इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है, बहुत ही संजीदा विषय है, गंभीर विषय है, जिसको लोगों ने एक मजाक के रूप में समाज के सामने रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्या, जो SDM है, और उनका जो विवाद चल रहा है अपने पति के साथ में, कि वो किसके साथ रहेंगी, क्यों पति के साथ रहना चाहिए, क्या महिलाओं को पति के साथ ही रहने पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जाती है, एक बड़ा सवाल है। और उनके चरित्र पर जो सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर सामाजिक विषय है जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है, कि हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पति का मामला आता है तो उसमें एक नई बहस शुरू हो जाती है कि ज्योति मौर्या एक विक्टिम के रूप में समाज के सामने में रख दी जाती है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ में आज बात करने के लिए, हमेशा की तरह सीमा बेंगलुरु से तो है ही, आज एक नई मेहमान है, सीनियर पत्रकार हमारे साथ में काम कर चुकी हैं, हम सब लोग पत्रकारिता पेशे से ही हैं, अनिमा तिवारी जी हैं, जो इस वक्त इंग्लैंड में है और वो इंग्लैंड सेटल कर गई है, लेकिन देश के समसामयिक मुद्दों पर काफी पैनी निगाह रखती है और इन सब विषयों पर उनके उनका एक अनुभव भी रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग में उनका एक पसंदीदा विषय रहा है, वो इन सब विषयों पर काफी काम कर चुकी हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ में संजय बिष्ट जी भी हैं इंडिया लाइव के। संजय जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिमा आपसे। आप इंग्लैंड में हैं, आप एक प्रोग्रेसिव समाज, इंग्लैंड माना जाता है कि भाई प्रोग्रेसिव समाज है, वहां भी आप रह रही हैं, देख रही हैं, और आप इंडिया से अभी हाल ही में गई हैं। तो ज्योति मौर्या को जो विक्टिम बनाया जा रहा है, सवाल यह है कि क्या ज्योति मौर्या को अपने पति के साथ रहना चाहिए, या अगर उन्होंने कोई फैसला किया कि मुझे अपनी आजादी चाहिए, वो किसी और के संग रहना चाहती है, तो क्या सामाजिक की जिम्मेदारी, या ये जो बहस का विषय है कि ज्योति मौर्या एक गलत कर रही है, आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? सबसे पहले मैं ये तो बोलना चाहूंगी कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे हम बात करते हैं बराबरी की, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों बराबर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम सोच वही पुरानी ही रखते हैं। एक मुद्दे पे आकर के लोग सोचते हैं कि नहीं, महिलाओं को महिलाओं के क्षेत्र अलग है और पुरुषों के क्षेत्र अलग है। तो ये मुद्दा काफी मतलब ऐसे इतना ज्यादा इसका माखोल बन गया है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अगर जाने तो उनके मुंह पे भी ज्योति मौर्या के बारे में ये बातें चल रही है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, ये पहला केस नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो ज्योति मौर्या के बारे में इतना हाईलाइट हो गया। इसके पहले भी बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग भी इस पे हामी भरेंगे कि इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन ये कभी भी लाइट में नहीं आया। चूंकि ये ज्योति मौर्या का केस हमारे सामने आ गया है और इसको एक एक तरह का हौवा बना दिया गया है, और जहां सुनने में आया है कि जैसे मैं देख रही हूँ कि लोग जो है अगर पहले अपने पत्नियों को पढ़ा रहे थे या अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे थे तो वो वापस बुला ले रहे हैं, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात, क्या लड़कियों को ही सारा जिम्मेदारी दिया गया है कि आप अपने कार्य को, अपने घर के कार्य को करें और पत्नियों पति को अलग जिम्मेदारी दी गई है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, पति की जिम्मेदारी अलग है, पत्नी की जिम्मेदारी अलग है। और जैसा कि मैं बताऊं, पति, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पति अगर दो पत्नियों के साथ रह सकता है, दो पत्नियों को बैलेंस कर सकता है, तो उसके पे कोई क्वेश्चन उठाने वाला कोई भी नहीं रहता है।
वो दोनों दोनों को बैलेंस कर सकता है, लेकिन पत्नी अगर अपने अगर वो चाहे किसी के साथ रहना, किसी और के साथ छोड़ना, तो वहां पे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि नहीं, उसको वो इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया है। दूसरी बात, जिस तरह अधिकार मर्दों को दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, वैसे औरतों को भी होना चाहिए। साथ में इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा ये भी देखने को मिल रहा है, क्या एक औरत की वजह से या एक महिला की वजह से पूरे समाज जो है पूरे औरत जात को ही बदनाम कर रहा है कि औरतें ऐसी ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे ना औरत की बात ना पुरुष की बात, इन सब चीजों से उठ करके अगर हम इंसानियत की बात करें, क्योंकि धोखेबाज तो कोई भी हो सकता है, चाहे औरत हो या पुरुष हो। पुरुष भी अपने महिला अपनी पत्नियों को धोखा देते आए हैं। इसके लिए हमारा हम सिनेमा भी देखते हैं, उसमें भी और पॉलिटिकल भी हमारा जो हमने देखा है उसमें भी घर में पति का रूप अलग होता है और ऑफिस में जाने के बाद पति का रूप अलग होता है। अनीमा, अनीमा, सवाल ये है, अनीमा जी सर, आवाज आ रही है सर? क्या डिस्टरबेंस हो रहा है क्या संजय जी? सीमा जी आप बताइए, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है समाज, मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ ज्योति मौर्य का केस नहीं है, एक और चीज साथ पैनल में चल रही है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही ज्ञानेश जी। ये केस है, ये केस को दो तरीके से देखना चाहिए, एक तो है सामाजिक पहलू इसका और एक है इसका निजी पहलू। तो निजी पहलू में तो जो भी बात अभी तक बाहर आई है उसमें ज्योति मौर्य जी का खुद का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। उनकी तरफ से उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा हमें नहीं पता, क्या हुआ था हमें यह भी नहीं पता, क्योंकि जो कहानी हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल एक तरफा कहानी है कि वो अफसर बन गई, उसके बाद उनका अफेयर चल गया, उनके पति ने उनके अफेयर को उनके फोन में कुछ मैसेजेस के जरिए पकड़ा और उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। तो इसमें कहीं भी हमने ये नहीं जाना कि ज्योति मौर्य का क्या कहना है, क्योंकि महिलाओं पे आरोप बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्या मैसेजेस थे क्या नहीं थे ये भी हमें नहीं पता। दूसरा इसका सामाजिक पहलू, तो सामाजिक पहलू में तो देखिये समाज की ये जो सोच है ना कि आज भी ये सोच है कि शिक्षा लड़की का अधिकार नहीं है, वो उसे दिया गया दान जैसे दे दिया गया कि उसके ऊपर पति ने एहसान किया कि वो उसको पढ़ा रहा था, माँ बाप ने जिससे शादी करके दी उसके बाद जो है वो पति उसे पढ़ा रहा था, वो उसका एहसान था और उसने इसीलिए इसको बेवफाई के जैसे देखा जा रहा है कि उसने इतनी मैं अपना पैसा लगाया सब कुछ किया उसके बाद पत्नी छोड़ के चली गई। तो जो एक नजरिया है इस पूरे मामले को देखने का, मुझे ये लगता है कि बहुत पुरुषवादी नजरिया है कि मतलब एक मेल शोविनिज्म है इसके अंदर में, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है कि जब पैसा आ जाता है तो और दूसरा अगर ऐसा पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो पिछड़े होते हैं पढ़े लिखे कम होते हैं तो उनको ऐसा महिलाओं को अक्सर महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। आप अपने बड़े बड़े नेताओं के का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए जिनकी बीवियां गाँव में रही और उन्होंने दूसरी शादी की और जो दूसरी शादी की वो पढ़ी लिखी महिला के साथ में की। तो जब आपका आपका जब आप ऐसे माहौल में जाते हो जब आपका आप एक क्लास ऊपर हो जाते हो तो जाहिर सी बात है आपकी सोच आपकी चीजें मैच नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ज्योति मौर्य का जब तक कोई पक्ष हम नहीं जान लेते या उनके निजी जीवन पे तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं उनके निजी जीवन के लिए कुछ नहीं कहूंगी, उनका क्या फैसला है क्या नहीं उन्होंने अपना पक्ष ही नहीं रखा इसलिए उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं इस बात के लिए जरूर कहूंगी कि ये जो सारा मामला उठाया जा रहा है ये एक ऐसी मानसिकता है जिसमें महिला को सिर्फ और सिर्फ घर में रहने के लिए ही बनाया गया है, ये सोच है उसकी तरक्की उसकी सफलताओं को उसको नहीं, कभी वो माँ बाप से होती है कभी पति से होती है कभी बच्चों से होती है, लेकिन उसकी अपनी पहचान नहीं होने को की तरफ से देखा जाता है। तो सीमा जी आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो मैं आपकी बातों से समझा वो ये है कि तुम और मैं मिले तो एक कहानी बनी, जब हम जुदा हुए तो दो कहानी बनी, बल्कि तीन कहानी बनी, एक तुम्हारी एक मेरी और तीसरी जो समाज ने बना दी और मीडिया वालों ने बना दी और
ट्रेंड ने बना दी, राइट। जी हाँ, इसमें मैं कह रही हूँ दो कहानियां तो हमें पता है, उनके पति की कहानी पता है, समाज की कहानी पता है, लेकिन हमें ज्योति मौर्या की कहानी नहीं पता है कि असल में क्या है। क्या अगर अगर वो ऐसी है, इतनी दबंग है कि वो एक प्रेम प्रसंग चला सकती है तो अपना पक्ष रखने भी सामने आती, लेकिन वो ना आई, ना कभी उनके ऊपर खबरें चल जाती कि उनको सस्पेंड कर दिया गया इस मामले में, कभी कुछ, ये एक मजाक बना के रख दिया। लेकिन ये मजाक जो है ना, हमारी समाज की सच्चाई है, जो महिला को बराबर तो कभी देखता नहीं और उसकी सफलता उससे बर्दाश्त नहीं होती। ज्ञानी जी, हाँ, ज्ञानी जो समाज है, समाज है, यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा था कि दो पैरेलल स्टोरीज यहाँ पर चल रही हैं। एक पैरेलल स्टोरी में पाकिस्तान से आई एक महिला है जिसका नाम सीमा हैदर है, वो पाकिस्तान से आई है, ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के लड़के के संग रह रही है। उसका भी सेम सेम एग्जैक्ट यही केस है, बस फर्क इतना है कि वो पाकिस्तान से आई, उसके 4 बच्चे हैं, ज्योति मौर्य के 2 बच्चे हैं। वहां पर उसका पति भी गुहार लगा रहा है पाकिस्तान से कि मोदी सरकार से कि मेरी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया जाए। यहाँ पे जो आलोक है ज्योति वर्मा का जो हस्बैंड है, वो भी गुहार लगा रहा है कि भाई मेरी पत्नी के साथ मेरी सुलह हो जाए किसी तरीके से। देखिए दोनों को केस एक जैसे है, लेकिन जो मीडिया इन दोनों केसों का ट्रायल कर रहा है वो बहुत अलग अलग तरीके से कर रहा है। एक तरफ तो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है जो सीमा वाला केस है, और दूसरी तरफ जो ज्योति मौर्य वाला केस है, यहाँ पे सीधे सीधे धोखेबाज और तमाम तरह की बातें आ रही है। इतना भेदभाव क्यों ज्ञानेश? देखिए ये दोनों हमारी जो पैनलिस्ट ने कहा, अनिमा ने कहा और सीमा ने कहा, बिल्कुल सही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। समाज में पुरुषवादी सोच अभी भी हावी है। हम कहने को तो एडवांस हो गए हैं और काफी प्रोग्रेसिव समाज में रहते हैं, लेकिन सोच का फर्क है। आप समझिए कि ज्योति मौर्या जो है वो SDM है, उनके चरित्र पर तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके साथ प्यार के पीघे बढ़ा रहा था, वो मनीष दुबे है या उनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, उनके बारे में कहीं मीडिया में चर्चा नहीं। और दूसरा जो है, बाकी तीसरा पहलू भी तो है ना, दो के बीच में तीसरा व्यक्ति है, उनके कैरेक्टर को कोई सवाल नहीं कर रहा, खड़ा कर रहा है कि उन्होंने जो शादी की थी अपनी पहली पत्नी से, वो लव मैरिज की थी। यहाँ तो अरेंज मैरिज वाली बात है, तो यहाँ तो दुहाई दी जा रही है समाज की और सिस्टम की और रूढ़ी अपने परंपराओं की। और जहां तक आपने नोएडा वाली बात बताई जो पाकिस्तान से आई है, उसमें सचिन से वो शादी की है, अगर सुलेमान नाम का आदमी होता ना बेटा, तब तक वो उस पर NSA क्या, उसमें बहुत सारा एक्ट लग गया होता। देखिए जो महिला आई है वो 4 बच्चों की माँ है, 2 बच्चे की माँ है, सवाल उसका नहीं है। ये जो एक एक था अफ्रीका में, एक चला था रंग भेद, नस्ल भेद अभी भी समाज में है, वो एक आवरण ओढ़ चुका है, ओढ़ लिया है। ये हम लोग जो सभ्य समाज की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य आती है, अपनी इच्छा बताती है या अपनी इच्छा से कुछ आगे 4 कदम चलती है, वो जो नस्ल भेद रंग भेद का जो दूसरा करेक्टर आया है वो निकल के आता है, और फिर सामाजिक जिम्मेदारी और तमाम परंपराओं को लेकर के महिलाओं को उसी सिकंजों में ढकेलने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये एक तरह से मेरा अपना मानना यह है कि इस पूरे प्रकरण में मीडिया ट्रायल नहीं हुआ चाहिए। सीमा ने बिल्कुल सही कहा, ये पारिवारिक मामला है, निजी मामला है, पारिवारिक और निजी मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अब ये मामला पारिवारिक और निजी नहीं है, नहीं रह गई, अब इसको आधार बना करके, अब वो कौन खान सर है आपके पटना वाले, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 99 लड़कियां जो है उसके पति लेके चले गए। अरे चले गए तो आपको बोलने की जरूरत क्या थी? ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो सामाजिक विषय है, मुझे लगता है सोच समझ के बोलना चाहिए। मीडिया में भी खबरें चला दी गई कि इलाहाबाद में जो कोचिंग में लड़कियां पढ़ने आई थी, जो शादीशुदा थी, उनके हस्बैंड लेके चले गए। एक तरह से ये एक प्रेशर है कि महिलाएं, लड़कियां तुम अपने अपने हदों में रहो, ये सोच तोड़ी है ज्योति मौर्या ने। मैं ज्योति मौर्या के इस फैसले से सहमत नहीं हूं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस फैसले से सहमत हूं कि वो अपनी सोच को प्रदर्शित की, वो आगे बढ़ी है। लेकिन समाज का जो शिकंजा है, जो उसको बार बार घेर रहा है मीडिया ट्रायल के जरिए, सोशल मीडिया के ट्रायल के जरिए, ये खतरनाक और गंभीर मतलब कि प्रवृत्ति है जिसको मिट जाना चाहिए था। कैदी से भाई आप ये बताइए, पति पत्नी का संबंध होता है जो तो होता है,
अगर आपसे नहीं पटरी खा रहा है, मेरा नहीं संबंध हो रहा है, जाहिर सी बात है तलाक क्यों होता है? कोर्ट में तलाक कहते हार क्या बनता है? मुझे इनके साथ में रहने में दिक्कत है, वही ज्योति मौर्या ने की है, लेकिन इसमें एक समा एक इमोशनल एंगल डाला गया है कि उसने पत्नी को पढ़ाया। अब पढ़ाया तो माँ बाप भी तो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे भी तो चले जाते हैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देंगे, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है, या एक बहुत राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बनता है। अनिमा ये तो रही मेरी बात, ये यहाँ पे मैं एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा ज्ञानी जी, अनिमा जी और सीमा जी, वो ये है कि ऐसा ही एक और केस देवास से है उत्तर प्रदेश के, वो सिमिलर ऐसे ही केस है, बस उसमें चेंज किया है, उसमें ये है कि पत्नी ने जो है वो नौकरी करी, घर में झाड़ू पोछा किया, लोगों के बच्चों को पाला, पति का सहारा बनी, आर्थिक मदद की, उसकी पढ़ाई में मदद की, और जैसे ही पति पीसीएस क्लियर करता है और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगती है, वो पत्नी और बच्चों को नमस्ते बोल के चला जाता है। देखिए सिमिलैरिटी दोनों में एक जैसी, लेकिन यहाँ पर पति पर कोई सवाल नहीं उठा, यहाँ पर ये केस भी नहीं उठा, बहुत लोगों को ये केस भी नहीं पता होगा, ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो ज्योति मौर्य वाले केस में बहुत जल्दी से इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया, उसकी जो प्राइवेट चैट्स हैं उनको वायरल कर दिया गया, ये सब मुझे लगता है कि गलत हुआ जो भी हुआ। अनिमा जी आप बताइए। सबसे पहली बात, सबकी जो निजी जिंदगी है उस पर, उसके अंदर किसी को जाने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरी जिंदगी है इसमें, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और आके इसमें कोई इंटरफेयर करे। लेकिन यहाँ ज्योति मौर्या वाले केस में मैं सरासर पूरा जिम्मा देती हूँ उसके पति का, क्योंकि उसके पति ने ही सब चीज को वायरल किया। उनका ये निजी मामला था तो उनको अपने घर के अंदर इसको खत्म करना था। ऐसे बहुत सारे किस्से रोज, जैसे आपने बताया अभी यूपी के बारे में, और इसके पहले भी एक और हाल फिलहाल भी मैं देख रही थी, क्या उसके पति ने उसके अपनी वाइफ को टीचर बनाया, और उनका पहले का वो लव मैरिज था, और लास्ट में पता चला कि उसकी पत्नी ने उसको पति को छोड़ दिया। लेकिन पति को क्यों छोड़ा, तो पता चला पति का कहीं और अफेयर था, इसकी वजह से पत्नी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे पुरुष के वजह से, कि मैंने आपको पहले ही बताया, पुरुष अगर दो शादी कर ले तो उस पर सवाल नहीं उठते हैं, महिला अगर दो के साथ अगर रह रही है तो उस पर सवाल उठेंगे। दूसरी बात, जितने भी हम जिस समाज में रह रहे हैं वो पुरुष प्रधान देश है, आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी आगे कर लें, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन हम उसी मानसिकता में अभी भी हैं। हमें जरूरत है इन सब चीजों से निकलने की, जो जरूरत है, जो हम किसी को परमिशन नहीं देते हैं कि आप हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। लेकिन यहाँ पे उनके हस्बैंड ने इन सारे वीडियो को तोड़ दिया और इसको वायरल कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार उसका पति है, और ज्योति मौर्या को पूरा अधिकार है अपना जीवन जीने का, वो चाहे जैसे अनीमा अनीमा ये तो तुमने कहा कि चलो पति जिम्मेदार है, लेकिन जो सामाजिक सोच है कि जो लोग अपने घरों में ले जा रहे हैं पत्नी को इंस्टीट्यूशन से जहां पढ़ाई कराने जाते, इसका क्या सोल्यूशन है? ये वही बात है ना, क्या एक औरत की वजह से सभी इसमें, जो ये कहते हैं ना कि चक्की में घुन के साथ सब कुछ पिस जाता है, तो यहाँ पे ज्योति मौर्या वाले किस्से को लेकर के जहाँ सभी अपने बहू को, अपनी वाइफ को, सभी को घर वापस ला रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये मानसिकता से हमें उठना पड़ेगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या ज्योति मौर्या, क्या औरत को वही है कि आप घर में चूल्हा चक्की करो, खाना बनाओ, बच्चे पालो, क्या बस वही तक निहित है? नहीं, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा और ये सोच को बदलनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो भी ज्योति मौर्या वाला केस आया है, उनके पति ने किया, या फिर अभी जो जिनके भी माँ बाप, जिनके सास ससुर, जिनके पति अपनी पत्नियों को लेके आ जा रहे हैं, तो वो इसका मतलब आप यही चाह रहे हो ना कि नहीं, आपको बस एक कूप मंडूक बन के रहना है, इसके बाहर नहीं निकलना है। मुझे याद है बहुत पुरानी मूवी है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसमें जया बच्चन बहुत अच्छी सिंगर थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो अमिताभ बच्चन को वो अच्छा नहीं लगता है कि मेरी पत्नी आगे बढ़ रही है। तो अब हम अभी भी हम उसी मानसिकता में रह रहे हैं कि पुरुष को अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी पत्नी एसडीएम बन गई, मेरी पत्नी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मेरी पत्नी आगे बढ़ रही है, तो वो मानसिकता से निकलने की जरूरत है। तो यहाँ ठीक है सीमा, ये जो
ये जो विषय मैंने चुना है इसलिए, देखो सभी लोग जानते हैं कि ज्योति मौर्या या ज्योति मौर्या की तरह कई लड़कियां अपना निर्णय खुद लेती हैं, समाज में आगे भी बढ़ रही हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। लेकिन इस एक घटना को इस तरह से फैलाया गया, बताया जा रहा है कि उसने कोई गुनाह कर दिया, मतलब कि देखिए जो समाज एक प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहा था, लड़कियां अपने बलबूते पर बहुत सारा काम कर रही है, अपना साथी का चयन करती हैं, शादी अपने से करती हैं, ये जो चीजें हम लोग के समाज में पहले नहीं थी उससे काफी आगे निकल गए। लेकिन इस घटना से जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट से और कई सालों से जो पति को मतलब इस तरह की खबरें जो वायरल की जा रही है या बताई जा रही है, तो क्या पुनः हम लोग पुराने जमाने में लौट रहे हैं या फिर वही मतलब ये सब खोखला था? क्या लगता है आपको इसकी बात? देखिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा समाज है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जय ज्योति मौर्य वाले केस में जरूर उनके पति दोषी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, कोई खुददार आदमी जिसकी बीवी का जो है किसी और आदमी के साथ में अफेयर है या रिलेशन हो, वो ये नहीं कहेगा कि मैं वापस लूं। इस केस में कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है, ये उनका निजी मामला है, कोर्ट में जाएगा, मामला सुलझ जाएगा। और खास तौर पे क्योंकि ज्योति मौर्या खुद कुछ नहीं बोल रही है, इसीलिए हमें उस पर बोलने का हक नहीं है। लेकिन मुझे ये इतना सिंपल केस नहीं लगता है, इसमें कुछ ना कुछ पेच नजर आती है। दूसरी तरफ जो सामाजिक मामला है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी सोच ही ऐसी है कि लड़की को एजुकेशन देना मतलब उस पर एहसान करना, उसे बाहर जाने की, घर में कहा जाता है हमने तुम्हें इतनी आजादी दी। वो लड़का जो पैदा होता है वो सारी आजादी के साथ पैदा होता है, लड़की जब पैदा होती है तो सब बंधनों के साथ पैदा होती है। माँ बाप जो जो आजादी देते हैं वो गिनाते चले जाते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ये आजादी दी, देखो ये इस सोच को दर्शाता है कि हमने आजादी दी तुम्हें बाहर जाके पढ़ने की, तुम्हें बाहर जाके नौकरी करने की, तुम्हें आगे बढ़ने की। ये जो सोच है ना, इसी का नतीजा है कि जो लोग अपनी पत्नियों को वापस लेके चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर अगर आपकी बेटी टैलेंटेड है, अगर आपकी बहू टैलेंटेड है, अगर आपका जो है क्या बोलते हैं आपके आपके बच्चे में इतनी काबिलियत है, तो माँ बाप फक्र करते हैं अगर वो लड़का होता। लेकिन लड़की होती है तो डर रहता है, ज्यादा पड़ गई तो शादी नहीं होगी, कम जो है क्या कहते हैं अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। तो समाज कहीं ना कहीं बदला तो नहीं है लड़कियों के मामले में, बल्कि पिछले कुछ सालों से हम जिस तरीके से परंपरा और अपनी संस्कृति के नाम पे बात कर रहे हैं, उससे हम रिग्रेसिव ही होते चले जा रहे हैं पीछे। हकीकत और जो है क्या बोलते हैं आपके ये हकीकत में और हमारी सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। एक तरफ लड़की बाहर है, वो सीईओ है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है, वो बड़ी बड़ी जो है पोजीशंस पे है, और दूसरी तरफ हमारी सोच, हम फिर से अपनी परंपरा संस्कृति, जैसे हमारी संस्कृति और परंपरा में रोक नहीं है उतनी ज्यादा जितने हमने अपने सोच में बना ली है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ये जो मामला है ये लोगों की जो सोच है ना उस पर डिपेंड करता है, और ये सोच आज से नहीं है, अभी से नहीं है, ये तो एक सिर्फ मामला है, एक नोट पे सोनम गुप्ता बेवफा लिखा हुआ इतना चल गया था, इतना चल गया था क्योंकि वो एक लड़की का नाम था। आप एक लड़के का नाम लिख के वायरल करने की कोशिश करिए, वो वायरल नहीं होगा। लड़कियों के साथ तो हर चीज बहुत इजीली वायरल हो जाती है। नहीं, आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि लड़कियों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूँ कि समाज की सोच अभी भी वैसी है। एक्चुअली क्या है, समाज का एक तबका का वो भड़ास जो है, ये भड़ास है, वो जो अंदर का जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर में जो कुंठित मानसिकता होती है, वो अचानक सोशल मीडिया के जरिए आपको दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं है, हमारा समाज काफी आगे बढ़ा है, लड़कियां आगे बढ़ी है, हमारे आस पास देखिए सब गाँव देहात हर जगह लड़कियां आगे बढ़ रही है। ये पहला ऐसा मामला है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हकीकत में और हमारी सोच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। हकीकत में जिन लोग जो लोग ज्योति मौर्या का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग ज्योति मौर्या पे सवाल उठा रहे हैं, उनके घर की बीवियां बेटियां बहुएं सब बाहर नौकरी कर रही होंगी, लेकिन वहां वो कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए उनकी कुंठा सोशल मीडिया पे नजर आती है। सोशल मीडिया पे आपका कोई चेहरा नहीं है, आपकी सोच एक इस तरीके से है कि आप ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं और आपका किसने थूका नहीं पता चलेगा, इस तरीके की सोच लोगों की हो गई है, इसीलिए सोशल मीडिया पे ये गंदगी ज्यादा नजर आती है। सोशल मीडिया की बात रही, अनिमा आप इंग्लैंड में है और एक माना जाता है कि भाई इंग्लैंड बहुत सभ्य समाज है, वहां क्या इस तरह की आप सोच सकती है कि इस तरह की घटना हो सकती है ऐसा?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं जहां रह रही हूँ वहां पर ऐसे रूढ़िवादी सोच है। यहाँ पे तो इतनी ज्यादा फ्रीडम हो रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं हम किस समाज में रह चुके हैं और हम यहाँ कहाँ आके रह रहे हैं। तो काफी जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे आसानी से, चाहे आप किसी के साथ रहना चाह रहे हो, आप किसी के साथ जाना चाह रहे हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है कि ये आपकी जिंदगी है, आप कैसे अपने जीवन को जीते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लोग इतना तो सामर्थ्य या फिर इतने मेच्योर तो है ही कि उसे पता है कि वो सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है और गलत क्या है इतना तो पता होना चाहिए। संजय वीर जी, आप इस खबर पर आपने एक खबर भी बनाई थी। कुल मिलाकर हम लोग अगर इस पर बात करें, देखिए बहुत कम लोग हैं जो ज्योति मौर्या के बारे में, ज्योति मौर्या एक केस नहीं रहा, एक स्टडी केस है जो समाज के विचार को आगे रख रहा है, बता रहा है कि समाज हमारा क्या सोचता है, या समाज का कुछ तबका, या मीडिया का एक धड़ा, या सोशल मीडिया का जो गंदगी है वो क्या सोच रहा है, अचानक आई है। इसके पहले कितने भी ऐसे समाज में हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि उनकी वाइफ जो है उनके साथ चली गई क्योंकि तो इनके नहीं पढ़ने खाया, या तलाक हो गया, फिर बाद में उन्होंने नई जिंदगी साथी अपना तय कर लिया। बहुत सारी घटनाएं हमेशा से होती रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज्योति मौर्या एक ऐसा केस निकला और उसमें लोगों का भड़ास ऐसे आया, मुझे तो आश्चर्य लगा कि ज्योति मौर्या के धीरे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा। आप बताइए कि आपने उनको ऐसा बना दिया, क्या लगता है संजय जी, क्या होगा इस आगे देखिए इस मामले में? देखिए, जो ज्योति मौर्या के साथ हुआ वो सीधे सीधे उनको उन्हीं की फिल्म का विलन बना दिया गया। जैसे कि सीमा जी बोल रहे हैं कि अभी हमें ज्योति मौर्या का पार्ट तो पता ही नहीं है कि उनकी तरफ से क्या है। जो असल में जब दोनों तरफ से बात सामने आएगी तभी बात पूरी पता चलेगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि समाज वाली बात कर रहे हैं, तो ऋतिक रोशन जो कि बॉलीवुड के हीरो हैं, इन्हीं का एक केस स्टडी इनकी भी ले लीजिए। अभी हाल ही में ये टूर पे गए थे, फैमिली ट्रिप पे। अब इनकी फैमिली में कौन कौन था वो समझिएगा। ये थे, इनकी गर्लफ्रेंड थी, इनकी एक्स वाइफ थी, और इनकी एक्स वाइफ का जो अभी वाला हस्बैंड है वो था, और इनके दो बच्चे थे। तो समाज तो वो भी है, लेकिन उस तरफ कोई देख नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और ना कोई उसको उछालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां तक बात जाएगी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ज्योति मौर्या का केस शायद इसलिए ज्यादा उछाल दिया गया क्योंकि वो एक विशेषाधिकारी है, एसडीएम है, एक पद पर बैठी हुई है, इसलिए उनको ज्यादा तवज्जो दी गई। हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया को मसाला मिलता है हाई प्रोफाइल केसेस में, आप सभी जानते हैं, जितना हाई प्रोफाइल केस होगा उतना उछाला जाएगा। और जो मुझे सबसे बुरी बात लगी इस केस में वो ये था कि भाई किसी भी तरीके से अगर दो मोबाइल फोन्स के बीच में व्हाट्सएप पे कुछ चैट हो रहा है तो वो उनकी प्राइवेसी के तहत है, उसी चैट को अगर पब्लिक डोमेन पे लाया जाए, अगर उसके हस्बैंड को चाहिए भी था तो वो कोर्ट में पेश करता उसको एज अ सबूत के तौर पे पेश करता कि मुझे तलाक चाहिए, जो भी समझाइश चाहिए उस तौर पे पेश करता। लेकिन उसने क्या करा, उस चीज को सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया और उस चीज ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। वो जो था मुझे बहुत बुरा लगा, और इसी वजह से मैं इस खबर से भी बचता रहा 3 से 4 दिन तक। मैंने कोशिश की कि इस पे मैं कुछ ना बोलूं, कुछ ना लिखूं। तो ये सारी बात है, महिलाओं को इतने तरीके से दबाया नहीं जाना चाहिए और ना ही इस तरीके से विलन के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर देखिए वहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि केसेस बहुत सारे हैं, आदमी भी छोड़ के भाग जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनकी बात बहुत हो रही है, उछाला जा रहा है इनका नाम बहुत गंदे तरीके से। जो उधर दूसरी तरफ मनीष है, जो इनका बॉयफ्रेंड है, तथागत बॉयफ्रेंड कह लीजिए, जो इनका बॉयफ्रेंड है, उस पर भी अब कार्रवाई होने की बात जो है वो हो सकता है कि सामने आ रही है कि हो सकता है कार्रवाई हो उन पर, और उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि सिर्फ ज्योति मौर्य का केस नहीं है, उस उन्होंने दो और लड़कियों को ऑफर किया था फ्रेंडशिप का और लव का, तो वो 3 केसेस हो गए हैं मनीष दुबे के ऊपर, 3 केसेस ज्योति मौर्य के अलावा, यानी ज्योति मौर्य के अलावा 2 लड़कियां और हैं जिनको उसने अप्रोच किया था और अब वो सामने आई। तो अब मनीष दुबे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बात मनीष दुबे के बारे में होनी चाहिए। अनीमा, मामला तो कुछ और ही है यहाँ पर, ज्योति मौर्या तो मामला ही नहीं है बनता है यहाँ पर। यहाँ भी तो मुझे भी लग रहा है, क्या पता नहीं, कहता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो मुझे वही लग रहा है कि शायद आपने यहाँ पे सही बताया, क्या जो मेन मुद्दा है वो निकल के नहीं आ रहा है सामने। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसको टारगेट किया जा रहा है, क्या वो बढ़ रही है, या फिर जैसे मैंने बताया ना क्या कि
किसी को, किसी भी महिला को, कोई भी पुरुष आगे, मैं अभी भी जब जिस समाज में रह रहे हैं ना, 50% और 50 की बात करें तो 50 या 60% ही लोग जो है देखेंगे कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बहू को पढ़ाओ, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, मेरे से आगे नहीं जा सकती है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरी वाइफ की सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए, तुम घर पे बैठो। तो वही है कि यहाँ पे जो जैसा बताया कि उनके बॉयफ्रेंड जो मिस्टर दुबे हैं, उन्होंने तो बहुत सारे अपने रास जो है रच लिया है। लेकिन अभी बात आ गई है ज्योति मौर्या के बारे में, तो ज्योति मौर्या अभी लाइमलाइट में आ गई है और इसमें पूरा श्रेय जाता है उनके पति देव को। सीमा, अगर मान लिया ये संजय जी जैसे बता रहे हैं कि दो लड़कियां और भी आई हैं, तो भिक्टिम माने अपराधी तो मनीष दुबे है, जो एक ऐसी महिला को जो एक तलाश कर रही थी अपने जीवन साथी के रूप में, उसको तलाश कर रही है, वो तो फ्रॉड निकला एक तरह से देखा जाए तो। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, ये तो एक पारिवारिक मामला है, सिविल कोर्ट का मामला है, वहां ही निपटेगा। इसमें क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं जानते, हम तो इसमें सिर्फ सामाजिक पहलू पे बात कर सकते हैं। और इसका सामाजिक पहलू मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ है, जिस देश में नारा देना पड़े बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस देश में ये सवाल करना कि आखिर ज्योति मौर्या पे सवाल क्यों उठा, अपने आप में ही बेमानी है। आज 75 साल की, जब आप आजादी का जब 75 साल मनाते हो और आप बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हो, तो आप समझिए देश की हालत क्या है। जो 50% आपके देश की ग्रोथ की रुकने की एक वजह यह कि 50% आबादी आपके घर पे कैद है, और पिछले कुछ सालों में तो और भी ज्यादा लड़कियां घर में बैठी हैं, नौकरियां वैसे ही कम हुई हैं। तो ये जो इनडिस्पैरिटीज हैं जेंडर को लेकर, वो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा है। और जैसे जैसे देखिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे लड़कियों के प्रति तो जो है चीजें बढ़ेंगी ही, मतलब उनके खिलाफ बोलने का दादा वो होता ही है, चाहे फिर वो खाप हो चाहे आम समाज हो। और सोशल मीडिया तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है इस चीज को जज करने का। इसमें मैं एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मैं जहां रह रही हूँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, हम जिस समाज में रहते आए वहां पर पुरुष काम करेगा, पत्नी घर को संभालेगी, औरतें घर को संभालेगी, मतलब हम सोच ही नहीं सकते हैं इस बात को कि हस्बैंड घर पे रहेगा और वाइफ काम करेगी घर पे, ये हम नहीं सोच सकते, शायद ये हमारी मानसिकता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख करके, क्या ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अर्न कर रहा है, अगर हस्बैंड घर पे काम कर रहा है तो वाइफ बाहर जाके काम कर रही है और दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सपोर्ट, चाहे आप वाइफ सपोर्ट करती हो चाहे हस्बैंड सपोर्ट कर रहा हो, कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि एक फैमिली जब चलती है एक सपोर्ट सिस्टम से ही चलती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से भी चलती है। तो हम जो जिस समाज में बात करते हैं कि नहीं औरतों को इस दायरे में रहना है और पति ही काम करेगा, लेकिन मैं जहां रह रही हूँ मुझे, या फिर मेरे इर्द गिर्द, या फिर मेरे जो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जानने वाले में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हस्बैंड अगर घर पे काम कर रहा है, वो अगर खाना भी बना रहा है तो लोग खुश है, वाइफ काम कर रही है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों को अगर हम इसको अपनाएं और इन चीजों को बढ़ावा दें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश, ये हमारी सोच, ये हमारा घर बहुत अच्छा होगा। और इसकी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने घर से करनी पड़ेगी, चाहे अपने घर बच्चों को एजुकेट करें और उसको आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा अनिमा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और हम एक कैंपेन भी चलाते हैं टू डॉटर्स क्लब के नाम से, तुमने जाना होगा कि बेटियों, इसकी बेटियां हैं उसके माता पिता को आगे बढ़ाइए, समाज में सम्मान दीजिए, हमारी सोच भी यही थी। और हम लोगों ने ये तय किया था कि इस मुद्दे पर लिखेंगे नहीं या कोई स्टोरी नहीं डाले, लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि ज्योति मौर्या को एक विक्टिम बनाई गई है, समाज का एक प्रतीक है, मतलब कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आज भी अगर समाज का वश चले, हम अगर इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करें, उसके सामाजिक विश्लेषण नहीं करें, क्या गलत है क्या सही है। अब जैसे अनिमा है अभी इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में कैसा समाज है, प्रोग्रेसिव समाज है, वहां सभी लोग खुश हैं और इंग्लैंड एक तरक्की वाला देश माना जाता है। और मैं सीमा की बात से भी सहमत हूँ कि 50% महिलाएं घरों में कैद रहेंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी या समाज कैसे डेवलप होगा। बहुत बड़ी बात तुमने कह दी सीमा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है इस पर चर्चा करें, आसपास लोगों को बताएं कि ज्योति मौर्या ने जो किया है वो तो उसका पारिवारिक मामला है,
उस पर टीका टिप्पणी ना हो। अगर टीका टिप्पणी होगा तो बाहर जो जाने वाली हमारे घर की लड़कियां, महिलाएं, बच्चे सब शक की नजर से देखेंगे कि भैया शादी हो गई है, एक आदमी से तंग, मान लिया आपको नहीं पढ़ लिखा रहा है या जीवन आपका इनके साथ नहीं चल पा रहा है। कई ऐसे केसेस हैं हमारे समाज में, आसपास देखोगे कई बार लोगों का तलाक हो जाता है, साथ नहीं रहते हैं, लोग जिंदगी चलती रहती है ना। तो प्रोग्रेसिव समाज को हम उसे कहते हैं जहाँ पर सब लोग को जीने की आजादी हो, एक मतलब कि एक घेरा बना हुआ है सबका। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में सब कुछ ओपन है और सब कुछ वहां पर उल्टा पुल्टा हो रहा है। आजादी का मतलब होता है बराबरी, बराबरी आजादी करने का मतलब बराबरी। संजय जी, क्योंकि दो महिलाएं हमारी जो पत्रकार मित्र हैं और पत्रकार साथी रही हैं लोग, और इन दोनों के विचार से मुझे ऐसा लगा कि आज जो हमने टॉपिक रखा था कि ज्योति मौर्या जो है एक केस स्टडी है, समाज का एक आईना दिखा रही है कि अभी भी समाज में बहुत कुछ करने की जरूरत है और समाज में सोच बदलने की जरूरत है। क्या संजय जी फाइनल कमेंट दे दीजिए और सबसे एक सवाल हम लोग लेते हैं, फिर उसको चर्चा को मिला देते हैं, क्योंकि ये आगे देखेंगे हम लोग इस पर क्या होता है निर्णय, फिर चर्चा करेंगे। संजय जी देखिए, मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जब एक लड़का पढ़ता है या आदमी पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब महिला पढ़ती है, बेटी पढ़ती है ना, तो समझिए आपका पूरा परिवार एजुकेट हो रहा है। क्योंकि जब वो बेटी बहू बन के जाती है तो वो घर के बच्चों को देखती है, उनको पढ़ाती है। अब मानिए मेरी वाइफ जो है वो, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं करती है, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं रहती कि भाई मेरे बेटे का होमवर्क पूरा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कौन अटेंड करेगा, अगर कहीं जाना है, असाइनमेंट्स देखना है, कौन करेगा उनको, तो वो सब कुछ खुद ही कर लेती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि समाज में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो पढ़ी लिखी हों, तभी हम डेवलप कर पाएंगे, तभी हमारी आने वाली जनरेशन डेवलप कर पाएंगी, वरना कुछ नहीं होगा। जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी रहेंगे, चाहे आजादी के 75 साल हो जाए या 125 साल और हो जाए। अगर समाज नहीं बदला, ये सोच नहीं बदली, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे जहां आज है या आज से 50-75 साल पहले थे। अनिमा तुम ये बताओ मुझे, आप महिला हो और आपने काफी स्टोरी भी की है और आप इस पर काम भी करते हो, क्या सरकार की कोई इसमें भूमिका होनी चाहिए थी, पहल करनी चाहिए थी? ये मुद्दा सामाजिक विषय है या पर्सनल विषय है, आप सब मत। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जब तक ये बात घर के चार दीवारी के अंदर थी तब तो किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात चूंकि अब वायरल हो चुका है, हर घर में, हर लोग, जितने लोग हैं, छोटे बच्चे, हर शहर में ये मुद्दा बाहर निकल चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को या फिर वहां पे थोड़ा सा उनको इंटरफेयर करना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा छोटा नहीं रहा, ये किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उस ज्योति मौर्या की मानसिकता अभी क्या हो रही होगी, शायद हम लोगों के यहाँ चार लोग बैठे हैं या फिर जितने लोग बैठे देख रहे हैं उनके सोच से परे है वो। लोगों के बात करना, एक जगह बैठ करके बात करना वो अलग बात होती है, लेकिन जिस पर जो परिस्थिति गुजरता है उस पर वो, उसका वो अलग ही सोच होता है, या अलग ही, या मैं बोले कि शायद एक सही शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिस परिस्थिति से जो गुजर रहा है उसकी मानसिकता क्या होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा अभी एक पहल लेने की, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है, जिससे ये आगे मामला फिर दोबारा कहीं ये उछल करके नहीं आए। मुझे ये मेरी सोच है जी। सीमा ये बताओ कि ये जो जिस तरह से मामला को उठाला गया और इसको एक विद्रूप चेहरा करते हैं उसको, मैंने ऐसा है नहीं जितना बताया गया है कि महिलाएं को वापस लिया जा रहा है, समाज में भरोसा ऐसा टूटा नहीं है, समाज बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, लेकिन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करा दी है, या सरकार को कोई पहल करनी चाहिए थी क्या, या सरकार की कोई भूमिका लगती है आपको ऐसे मुद्दे पर जो सामाजिक विषय का है? सरकार के पास इतना, मतलब एक तो सरकार को सामाजिक मामलों में दखल इतना ज्यादा देना भी नहीं चाहिए, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन हाँ सरकार माहौल बना सकती है। पुलिस जो है, जो मतलब जरूर से जब ये व्हाट्सएप चैट अगर वायरल हुई है तो उसकी कंप्लेंट भी हुई होगी, पुलिस को इस व्हाट्सएप चैट को हटाना चाहिए था उस पर सोशल मीडिया से। दूसरी बात, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लाने की, ऐसा माहौल तैयार करने की कि ये सोच बदले, लेकिन जिस देश में जो है महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर परकटी और इस तरीके की बातें कही जाए, वहां आप ऐसे मॉरल हाई ग्राउंड की बात कैसे कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ये बात।
आप जिस परिवेश से आ रहे हो, जिस जगह से आ रहे हो, आप वोट बैंक की इतनी जबरदस्त राजनीति करते हो कि आज आज जो सत्ता में है, अनफॉर्चुनेट है कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर इतनी इतनी जो है लिबरल नहीं है, इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। तो इसीलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि सरकार जो है ऐसी ऐसा जमीन तैयार करे, एजुकेशन फ्री करे, जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए कड़े कानून बनाए और कंपनीज पे भी ये दबाव बनाए कि वो अपने वर्क फोर्स में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। ये सरकार कर सकती है जरूर। चलिए, कुल मिलाकर यही लगा कि ये जो ज्योति मौर्या का जो केस है एक स्टडी केस है, ये बहुत कुछ बताता है अपने समाज के बारे में, एक आईना भी है। इस आईना में हम सबको देखने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में और क्या होना चाहिए। आजादी तो सभी को है, अब इसके कानूनी पहलू और इसके व्यक्तिगत मामलों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे या किया है पर, लेकिन ज्योति मौर्या की कहानी आने के बाद ये बहस होनी चाहिए कि क्या ज्योति मौर्या अगर इंडिपेंडेंट होकर के अपना रास्ता खुद तय करती है तो क्या उसे जीने का हक है कि नहीं, या उसे अपना जीवन साथी नया बनाने का हक है कि नहीं। क्योंकि मैं बाकी चीजों पर नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल तो बनता है और सवाल कई सारी लड़कियों के मन में भी आया है, महिलाओं के मन में भी है, लोग नहीं बोल पा रहे। मैंने कई लड़कियों से बात की, कई महिलाओं से बात की, सबने कहा कि नहीं ज्योति मौर्या को आप विक्टिम नहीं बनाइए। तो हमने तय किया था कि इस पर मुद्दे पर ज्यादा नहीं लिखेंगे ना पढ़ेंगे, लेकिन एक सामाजिक विषय पर चर्चा जरूर करेंगे ताकि समाज को लगे कि आज जो चर्चा हुई, जो आप दोनों का विचार आया, आप इंग्लैंड में रहती है अनिमा, आपने वहां का भी बारे में बताया और सीमा ने बहुत अच्छी बात कही कि वही समाज आगे बढ़ेगा जो समाज अपनी महिलाओं को कैद में ले, मतलब आजादी देगा, मतलब बराबरी के इसके पलट। बातें करना और हकीकत दोनों में बहुत अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमा, आप इंग्लैंड से जुड़ी, आप पहली बार इंडिया लाइव पर आई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनिमा आप आगे भी जुड़ेंगी इसी ऐसे ही समसामयिक मुद्दों पर, मुझे विश्वास है क्योंकि आप पत्रकारिता में रह चुकी हैं। मुझे लगता है कि जिसका जो पेशा रहा है उस पर जुड़ा रहना चाहिए, है ना। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग फिर कल किसी और डिबेट पर आपसे संवाद करेंगे। और सीमा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य विचार महिलाओं के अधिकारों पर, महिलाओं की बराबरी पर जो रखा आपने, और सरकार की भूमिका बिल्कुल सही कहा कि सरकार की भूमिका इसमें सीमित होनी चाहिए, उसका दायरा अलग होता है, आप माहौल बना सकते हैं, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करिए किसी की आजादी बराबरी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, संजय जी आपका भी धन्यवाद इंडिया लाइव में जुड़ने के लिए, इंडिया डिबेट में आप सभी का धन्यवाद।